प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मूंदी रोड सोनी गोडाउन के पास खंडवा। दोस्तों नमस्कार, आज खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर एक जनसभा रखी गई थी। इस जनसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी सम्मिलित हुए, लगभग वो 13 मिनट बोले। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की और दुनिया भर की बात की। नेता अक्सर बात करते ही हैं, लेकिन उन्होंने एक भविष्यवाणी की जब लगभग वो भाषण के अंतिम दौर में थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं भाषण खत्म करूंगा और मैं यहाँ से जाऊंगा, तत्काल खंडवा में बारिश शुरू हो जाएगी। उनकी बोली फल गई, ऐसा आम लोग कह रहे थे, क्योंकि उनके जाते ही झमाझम बारिश खंडवा में शुरू हो गई। बारिश की लंबी खेच के चलते जो खंडवा और आसपास के जिले सहित मध्य प्रदेश के किसान हैं वो बहुत परेशान थे। फसलों के खराब होने को लेकर लगातार किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उम्मीद भी जता रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्वे शुरू कराकर उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। सोयाबीन की फसल तो पूरे तरीके से खराब हो गई। ऐसे में ये जो बारिश आई है, ये जो फसलें बची हुई हैं इनको कुछ लाभ जरूर देगी, लेकिन सोयाबीन की फसल तो लगभग खत्म है। शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि मन से सभी किसानों को आश्वस्त किया कि वो उनका दुख दर्द हर लेंगे और उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो डिमांड है वो जरूर पूरी करेंगे। और आपको बता दें कि बारिश जैसे ही नितिन गडकरी का भाषण खत्म हुआ, बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदों के बीच में ही जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के रथ में शामिल हुए और जो नितिन गडकरी हैं वो ओमकारेश्वर दर्शन के लिए निकल गए। जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी और भी अपडेट है, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा में इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं और इसकी घोषणा नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने पहले ही कर दी थी। भाजपा के कार्यकर्ता बारिश में लीडर को फॉलो कर रहे हैं, पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है। खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा काफी खुश हैं, जनाधार देखकर काफी संख्या में आपको बता दें कि भीड़ मौजूद थी। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मूंदी रोड सोनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।